दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आप लोगों को एडसेंस अकाउंट में किस तरह से अपने डॉलर चेक करने हैं। बट हो सकता है उस वीडियो में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, मैंने आपको सही से ना समझा पाया हो, या फिर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस वीडियो के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था। बट फिर भी उस वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि मेरा नहीं शो हो रहा, नहीं शो हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से एकदम जीरो से लेके पूरा समझाने वाला हूँ किस तरह से आपको एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करना है, किस तरह से ओपन करना है एडसेंस अकाउंट, एंड आप लोगों को डॉलर कैसे शो होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें करना है अपना क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन। तो यहाँ से मैं अपना क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज़ हमारा जो एडसेंस अकाउंट रहेगा वो यहीं से लॉगिन होगा। एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है एडसेंस, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ एंड एडसेंस सर्च कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को सर्च करना है एडसेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ये स्टेप में, तो आप लोगों को अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। लॉगिन करना ही मेन चीज़ होती है। सबसे पहले आप लोग एडसेंस सर्च करना है, बट अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर जो हमारा ए लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर हमें अपना लोगो सिलेक्ट करना, मीन्स अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी जिस पर हमने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके रखा था। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रोफाइल पे एक बार टच करना है, एंड आप लोगों को वो वाला ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना जिस पर आपने एडसेंस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। हो सकता है ये भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हो एक, तो आप लोग ये ध्यान से देखना है। हमारा ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें एडसेंस पे क्लिक करना है। हमने एडसेंस पे क्लिक किया एंड थोड़ा सा वेट कर लेना है। हमारे सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करना है। देखिए, मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, चाहता तो आप लोगों को मैं पीसी पर भी बता सकता था, लेकिन मैक्सिमम लोग मोबाइल यूज़ करते, तो मैं इसी पर बता रहा हूँ। अब देखिए, आपको फिर से यहाँ पर ईमेल आईडी चूज़ करनी है अपने एडसेंस की, जिस पर आपने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके रखा है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा वेट करना है, एंड आप लोगों के सामने आपके एडसेंस का पेज ओपन होकर आ जाएगा। बट आपके डॉलर अभी शो नहीं होंगे। देखिए, जो है एडसेंस में हम लॉगिन कर रहे हैं, बट हमारा अभी डॉलर शो नहीं होगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बस आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कर, नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अब देखिएगा, हमारे सामने ये ऑप्शन आ चुका है। अब हमें थोड़ा सा जूम कर लेना, ये डेस्कटॉप साइड में जा चुका है। थोड़ा जूम करने के बाद इस तरह से स्क्रॉल करना है साइड में, एंड यहाँ पर थ्री लाइन्स का जो ऑप्शन मिल रहा है हमें इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें पेमेंट्स का, इस पर क्लिक करने के बाद हमें सेकंड टाइम फिर से यहाँ पर पेमेंट्स इन्फो इस तरह से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टच मारना है, ठीक है। एंड हमें थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा और हमें डॉलर दिखेंगे, 0-0 दिखेगा, मतलब डॉलर वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। बट डॉलर हमें जो रियल डॉलर रियल इनकम होगी हमारी, वो नहीं यहाँ पर शो होगी। आप लोग देख सकते हैं योर अर्निंग्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल 0-0 आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। ट्रांजेक्शन वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल 0-0 आ रहा है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर किस तरह से चीज़ देखनी है वो अब मेन पॉइंट आता है। यहाँ से आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पेमेंट्स अकाउंट लिखा हुआ है, एंड उसके बाद लिखा हुआ है एडसेंस इंडिया। तो हमें इसी पर टच करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, इंडिया US डॉलर, एंड उसके बाद लिखा होगा नीचे यूट्यूब इंडिया US डॉलर। तो हमें YouTube की अर्निंग चेक करनी है, तो हम नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, YouTube इंडिया US डॉलर, इस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करना होगा हमें, और हमारे जो डॉलर होंगे वो शो हो जाएंगे। आप लोग देखो, यहाँ पर 87.06 डॉलर यहाँ पर हमारे महीने के बने हुए हैं, वो यहाँ पे शो हो गए। ये रियल पेमेंट हो चुका है हमारा, ठीक है। और इसके अलावा और कोई ट्रिक है नहीं यहाँ पर। अगर और कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कोई और अपडेट आता है तो। वैसे यही ट्रिक है, इस तरीके से आप लोग अपने डॉलर को चेक कर पाएंगे।